हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज है दिवाली, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो एरिया सजाने के लिए है उसे फटाफट से डेकोरेट कर लिया जाए। और मैंने नाश्ता वगैरह करा कर और डेकोरेशन वाला जो काम था उसे मैं पूरा कर रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही काम बचा रहता है, वो करते करते टाइम हो जाता है शाम की पूजा का। तो ये एरिया थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैंने इसे सोचा कि इसे क्रीपर से डेकोरेट कर दिया जाए। तो देखिए थोड़ा सा चेंजिंग मैंने किया और ये एरिया कितना सुंदर लगने लगा। ये मेरे एरिया है वॉश बेसिन का, जो जिसके चारों तरफ मिरर के चारों तरफ मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर का क्रीपर डाला है। ये क्रीपर मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ग्रीनरी भी है, थोड़ा सा कलरफुल भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना चेंजिंग लग रहा है। और मैं कर रही हूँ पूजा रूम की सफाई। मैं यहाँ पर कपड़े के ऊपर शीशा डाल देती हूँ, जिससे कपड़ा थोड़ा सा जो मतलब रैक पर डाला होता है ना कपड़ा, तो वो गंदा भी नहीं होता है और अगरबत्ती घी वगैरह से बचा भी रहता है। और ऐसे अगर डायरेक्ट डालने पर घी का और दाग हो जाता है, अगरबत्ती से जल भी जाता है, और ऐसे गंदा भी नहीं होता है, जलता भी नहीं है। तो मैं सब कपड़े के ऊपर शीशे डाल देती हूँ। और इस बार मैंने थोड़ा सा पूजा रूम में पिंकिश लुक दिया है, पिंक डाला है। हमेशा तो मैं रेड कलर डालती थी या येलो कलर डालती थी, मतलब रैक पर जो कपड़े डालती हूँ उसे मैं डालती थी। इस बार मैंने पिंक डाला है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा चेंज लग रहा था कलर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये चेंज। दिवाली में काम बहुत रहता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से चेंज हो जाता है और ये चेंज बहुत अच्छा लगता है। और गाइस हम जा रहे हैं अब रंगोली बनाने, तो ये कुछ सामान है जैसे चॉक्स है और आउटलाइंस करने के लिए, और ये कुछ रंगोली है जिसे हमने ऑनलाइन मंगवाया है, ये क्राफ्ट वाटिका का है, तो इससे हम फिर रंगोली बनाएंगे और ये कुछ चॉक्स आउटलाइन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
ते नमः नमस्ते रुद्रपाय करुपाय ते नमः और मैं शाम का ये पूजा कर रही थी यहाँ पर तो पूजा वगैरह सब हो गया सब कुछ हो, मतलब हो गया तो मैं यहाँ ग्वालिन बस ले जा रही थी जलाने के लिए और इस बार धनतेरस से मैंने ये मुरली लिया है बांसुरी कृष्ण भगवान के लिए बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं चांदी की बांसुरी लूँ भगवान जी के लिए तो इस बार मैंने लिया है हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज दिवाली के दिन सुबह से ही बहुत सारा काम होता है मैंने पूरा घर को सजा लिया मैं आपको दिखाती हूँ और पूजा हो गया अब मैं सब जगह दीपक रखूँगी तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे सजाया है अपने घर को